अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। दोस्तों, कल से भिवंडी के सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स भिवंडी के प्रसिद्ध हाफिज जी बाबा दरगाह गोकुल नगर के पास खड़ा होकर दरगाह के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहा है। ये शख्स अपने वीडियो में इस दरगाह को बीच रास्ते से हटाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि जिस तरह से हमारी मंदिरें तोड़ी गई है, उसी तरह से इनकी मस्जिदें और दरगाह भी तोड़ो, और अंत में ये जय श्री राम के नारे लगाता है। भिवंडी में सोशल मीडिया के जरिए शहर की जनता इस शख्स पर कार्रवाई की मांग कर रही है। लोगों ने भिवंडी के DCP योगेश चौहान को ट्विटर पर इस मामले के बारे में आगाह किया, जिस पर DCP साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आज भिवंडी निजामपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नरेश पवार ने इसी संदर्भ में एक वीडियो जारी किया है। क्या है वो वीडियो, आइए देखते हैं। मैं सीनियर PI नरेश पवार, निजामपुरा पुलिस स्टेशन। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आने वाले हाफिजी बाबा दरगाह के बारे में कल 15 तारीख को किसी अनजान व्यक्ति ने एक वीडियो पोस्ट किया है। निजामपुरा पुलिस को इसकी खबर मिलने के बाद हमने तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी इत्तला कर दी और शीघ्र ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बारे में हमने हाफिजी बाबा दरगाह के ट्रस्टी साहब से मुलाकात की है और वहाँ के जिम्मेदार लोगों से प्राप्त शिकायत अर्जी के उपरोक्त उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। कल का दिन और रात और आज सुबह से इस व्यक्ति की शोध मुहिम चालू है, मगर अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। ऐसे लग रहा है कि शायद यह व्यक्ति भिवंडी शहर का रहने वाला नहीं है। फिर भी हम पूरे Zone 2 के भिवंडी शहर में आने वाले सारे पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के संपर्क में हैं और जल्द ही उनसे संपर्क करके इस व्यक्ति की खोज करेंगे। मेरी आप सभी भिवंडी वासियों से अपील है कि कृपया आप शांति बनाए रखें और पुलिस को पूरा सहयोग दें और विश्वास रखें। पुलिस ने ऑलरेडी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर किसी भी नागरिक को इस अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी मिलते हैं तो कृपया मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9511612764 पर संपर्क करें और मुझे इत्तला करें। नमस्कार, जय हिंद। सभी को जय श्री राम। ये जो मस्जिद है, यह भिवंडी में मस्जिद है, यह मस्जिद भिवंडी के बीच रोड पे मस्जिद बनाई गई है, जो हमारी यातायात साधन को बाधित करती है। और यह मस्जिद जो है रोड पे है, और ये मस्जिद रुकनी चाहिए। ये लोग कहीं पे भी मस्जिद और मजार बना देते हैं, कहीं पे भी नमाज पढ़ना चालू कर देते हैं। इन्हें शुक्रवार को छुट्टी चाहिए और ये रोड पे मस्जिद बना दिए जाते हैं। हमारे मंदिर को राजस्थान में तोड़ दिया गया कहकर कि यह सड़क में बाधा आ रही थी, लेकिन ये मस्जिद क्या कर रही है? ये भी तो सड़क बाधा बाधित कर रहा था सदन को, तो ये भी छुटनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी ये जो मस्जिद है बीच रोड पे है। मैं एकनाथ शिंदे जी से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह मस्जिद हटनी चाहिए रोड पे से, और मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे यह मस्जिद रोड पे से हटे। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा समझ आता है कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, किसी भी धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर कब तक देश में लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाएगा और धर्म की राजनीति आखिर कब तक चलेगी। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।